बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2x + 2y + 2z = 148। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि x से ग्रेटर y है, y से ग्रेटर क्या है, z है। दूसरा कंडीशन दिया है कि x, y, z ये ग्रेटर है किस से, ज़ीरो से। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन है इनको ले लेंगे, 2x + 2y + 2z = 148। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन के साथ मल्टीप्लाई में भी 2x लिख देंगे और डिवाइडेड में भी 2x लिख देंगे। यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे, 2x + 2y + 2z = 148। फिर क्या करेंगे, ये 2x नहीं, इनको अंदर ले जाएंगे, ये नीचे वाले नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा इनके नीचे 2x, ऊपर 2x + 2y + 2z = 148। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2x, यहाँ 2x, इनके नीचे अलीहदा 2x लिख देंगे, + 2y, इनके नीचे अलीहदा 2x लिख देंगे, + 2z, इनके नीचे अलीहदा 2x लिख देंगे, = 148। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि इधर और इधर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, a⁻ m, डिनोमिनेटर में a⁻ n, वो बराबर होता है a⁻ m - n के। तो इनको और इनको इस तरह करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इनको अपनी जगह लिख देंगे 2x, इधर आ जाएगा 1+, रूल के मुताबिक 2y - x + 2z - x = इनको इस तरह लिख देंगे 148। इनको सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 74। फिर इनको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 2 4, तो 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 37 को। फिर क्या करेंगे, इधर देख ये 2 नहीं है, इनके ऊपर ये x की जो भी वैल्यू होगी तो इनसे कौन सा नंबर आएगा, इवन आएगा, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। इधर देख 2 के ऊपर y और x है, इनकी जो भी वैल्यू होगी तो इनसे इवन आएगा। इधर 2 के ऊपर z और x है तो इनसे भी इवन आएगा, ये दोनों इवन है, लेकिन ये क्या है, ऑड है, ऑड प्लस इवन, तो इनसे ऑड आता है, ये तमाम ऑड नंबर है। इधर देख ये क्या है, ये है इवन नंबर, और इवन नंबर है, 37 क्या है, ऑड नंबर है, जबकि ये तमाम ऑड नंबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, इवन को इवन के साथ और ऑड को ऑड के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाए। सबसे पहले इवन को इवन के साथ, यहाँ 2x = 4, जबकि ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ लिख देंगे 1+2y - x + 2z - x = 37। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये 4 नहीं है, इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2⁻ 2। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो रूल क्या है कि a⁻ m
इज़ इक्वल टू ए पावर एन, वो बराबर होता है एम इज़ इक्वल टू एन के। तो यहाँ इस रूल के मुताबिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू आ गई टू। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आठ बार इक्वेशन है, ये वन नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा, जबकि इन दोनों को इस तरह लिख देंगे टू पावर वाई, नीचे डिनोमिनेटर में टू पावर एक्स प्लस टू पावर जेड, नीचे डिनोमिनेटर में टू पावर एक्स इज इक्वल टू 37 माइनस वन। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को, इन दोनों डिनोमिनेटर में एक लिख देंगे, दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ टू पावर एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, इनसे क्या था 36। फिर क्या करेंगे, इधर ये एक्स की जगह टू लिख देंगे, तो टू को इधर लिख दो, टू पावर टू इनसे क्या था फोर, तो यहाँ फोर लिख देंगे, जबकि यहाँ टू पावर वाई प्लस टू पावर जेड इज इक्वल टू 36 नहीं, इनको इस तरह लिख सकते हैं ना, इनको टू पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18, फिर 18 को टू पर डिवाइड करते हैं इनसे क्या आता है 9, फिर 9 को 3 पर डिवाइड करता क्या आता है 9 को, तो 3 पे 3 को 3 पर डिवाइड तो बनाते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या करेंगे, यहाँ टू टू ज़ार फोर, तो यहाँ फोर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 3 9 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इधर दोनों साइड के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है ना 2 पावर वाई प्लस 2 पावर जेड इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 9। फिर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में लिख देंगे टू पावर वाई को। फिर क्या करेंगे, इनको अंदर ले जाएंगे, टू पावर वाई इनको अपनी जगह लिख देंगे, यहाँ टू पावर वाई प्लस टू पावर जेड इसके नीचे लिख देंगे टू पावर वाई इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 9। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 पावर वाई ब्रैकेट में 2 पावर वाई इनके नीचे अलीहदा 2 पावर वाई लिख देंगे प्लस 2 पावर जेड इनके नीचे अलीहदा 2 पावर वाई लिख देंगे इज इक्वल टू, ये 16 है इनको लिख देंगे पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ जाएगा इनको इस तरह लिख देंगे, सबसे पहले 2 पावर वाई यहाँ 1 प्लस इनको लिख देंगे 2 पावर जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पावर 2 मल्टीप्लाई 9। फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये इवन नंबर है, इससे पहले हमने जिस तरह किया ये तमाम क्या है ऑड नंबर है, जबकि ये क्या है इवन नंबर है 4 और ये क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ इवन को इवन के साथ और ऑड को ऑड के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी 2 पावर वाई इज इक्वल टू 4 पावर 2, दूसरा इक्वेशन 1 प्लस 2 पावर जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 पावर वाई, ये 4 नहीं, इनको लिख देंगे 2 स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 पावर वाई इज इक्वल टू 2 2 2 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इससे पहले हमने जो रूल अप्लाई किया है, इधर अप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, तो इस तरह हमने कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1 को इस साइड पर लाएंगे
और टू पावर जेड माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस वन। फिर क्या करेंगे, इनको इस तरह लिख देंगे टू पावर जेड, डिनोमिनेटर में टू पावर वाई इज इक्वल टू, इनसे क्या आता है एट। फिर क्या करेंगे, यहाँ वाई किसके बराबर है, इनको तो अपनी जगह लिख देंगे टू पावर जेड को, लेकिन इधर टू लिख देंगे और वाई, वाई को हमने किस पॉइंट किया किसके बराबर, फोर के, यहाँ फोर लिख देंगे इज इक्वल टू एट। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ टू पावर फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। फिर क्या करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा टू पावर जेड इज इक्वल टू एट को इस तरह लगेंगे टू पावर थ्री मल्टीप्लाई टू पावर फोर। फिर यहाँ टू पावर जेड इज इक्वल टू, इन दोनों का बेस सेम, इनके पावर को ऐड करेंगे तो इनसे आ जाएगा सेवन। फिर रूल के मुताबिक इन दोनों का बेस सेम है तो जेड की वैल्यू आ जाएगी सेवन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, एक्स इज इक्वल टू टू, वाई की वैल्यू फोर्थ, जेड की वैल्यू सेवन। अब इसको चेक करते, ये जो वीडियो हमने फाइंड की है ये करेक्ट है यार, तो उनके लिए हम गिवन इक्वेशन को लिख देंगे टू पावर एक्स प्लस टू पावर वाई प्लस टू पावर जेड इज इक्वल टू 148। तो यहाँ क्या करेंगे, टू एक्स की जगह टू को पुट करेंगे प्लस वाई की जगह फोर को प्लस टू जेड की जगह सेवन को इज इक्वल टू 148। तो यहाँ टू पावर टू से क्या आता है फोर, प्लस टू पावर फोर से 16, प्लस टू पावर सेवन से 128 इज इक्वल टू 148। इन तमाम को ऐड करो, इनसे क्या आता है 148 इज इक्वल टू 148। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया।